Welcome to SG Inception Show Aquarium channel. Today I am at the Exotic Aquatics Aquarium Fish Shop located at Wakola in Santa Cruz East. इनके पास आपको प्रीमियम क्वालिटी के बीटास और बहुत सारी वराइटीज़ मिलेंगी गप्पी टेट्रास में. सो विल चेक आउट दैट. ऑल्सो एक्जॉटिक एक्वेटिक्स हैज़ गॉट शिफ्टेड टू अ न्यू लोकेशन. तो सबसे पहले इनकी न्यू लोकेशन हम लोग जान लेते हैं, फिर देखेंगे इनके खूबसूरत स्टॉक को. सो एक्जॉटिक एक्वेटिक्स पहले यहाँ हुआ करता था मखदूमी पैलेस के यहाँ. अब मैं आपको एक्जॉटिक एक्वेटिक्स का न्यू लोकेशन बताऊँगा. तो यहाँ से ठीक हमको आगे की तरफ जाना है. इट्स जस्ट 30 seconds या 1 minute का वॉकेबल डिस्टेंस. सो दिस इज सेंट चार्ल्स स्कूल एंड एक्जॉटिक एक्वेटिक्स की न्यू शॉप ठीक इस स्कूल के सामने है. सो हियर इज द न्यू डिस्प्ले सेटअप ऑफ बीटास एट एक्जॉटिक एक्वेटिक्स एंड लुक एट दैट. इट इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल, सो वंडरफुल. एवरीथिंग इज सो नीटली अरेंज एंड वेल प्लेस्ड इन एन ऑर्गेनाइज मैनर एंड ऑल द बीटास आर सो हेल्दी एंड लवली एंड अट्रैक्टिव. ऑल्सो राइट इन फ्रंट ऑफ द बीटा डिस्प्ले सेटअप यहाँ पे इनके पास है सारे टेट्रास एंड गप्पीज का सेक्शन. तो आपको कई सारी वराइटीज़ मिलेगी इनके पास में गप्पीज और टेट्रास में या अदर स्मॉल साइज फिश वराइटीज़ जो आप प्लांटेड टैंक्स में रख सकते हो. हियर आर द ओनर्स ऑफ एक्सोटिक एक्वेटिक्स, मिस्टर फारूक ऑन द लेफ्ट एंड मिस्टर साहिल ऑन द राइट. हाई, कैसे हो आप? सबसे पहले आपको और आपके फैमिली को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक एंड ऑल्सो बहुत बहुत बताइए आपके न्यू शॉप के लिए. जी आपको भी रमज़ान की मुबारक. और रमज़ान के मुबारक मौके पर आपने हमारा जो नया शॉप अभी शिफ्ट हुआ है ये एक वीडियो हम लोग बना रहे हैं आपसे मिल करके. और आप वीडियो में तो आगे देखोगे कि किस तरीके से हमने डिज़ाइन किया और किस तरीके से वहाँ से हमने यहाँ पर चेंजेस किया है और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको शॉप में. ऑल्सो आई हैव नोटिस कि आपने प्रीवियस शॉप से शॉप को इंटीरियर में थोड़ा और बेटर बनाने की कोशिश की है. थोड़ा स्टूडियो टाइप फील लग रहा है सीलिंग, उसके बाद में बीटास का जो सेटअप है और वाइड लग रहा है एंड ऐसा फील आ रहा है जैसे थाईलैंड का ही शॉप देख रहा हूँ मैं बीटास में. सीरियसली एंड वेरी ऑनेस्टली ऑल्सो बीटास का के बाद में आपने यहाँ पर राइट में टेट्रास का भी सेटअप बनाया हुआ है तो अलग अलग दोनों सेक्शंस है. नहीं, जैसे फारूक भाई ने बताया था वी ट्राई टू मेक इट लुक मोर लाइक अ स्टूडियो, मतलब जितना बेस्ट हो सका इंशाल्लाह वी ट्राइड इट. एंड जैसे आप देख सकते हो फाइटर का सेक्शन का जो है इट इज़ ऑलमोस्ट डबल देन द प्रीवियस वन. जो पहले अपने पास क्वांटिटी रहती थी अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसे डबल क्वांटिटी अपन डिस्प्ले में ही रख सकते हैं. बाकी जो बेसिक स्टॉकिंग एक्स्ट्रा रहता है वो तो अलग चीज़ है, बट डिस्प्ले में ही अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 200-250 पीस तो अपन यहाँ डिस्प्ले ही कर सकते हैं. एंड ये सब अल्ट्रा क्लियर ग्लास में बनाया हुआ है. बिकॉज क्या होता है कभी कभी ग्लास पुराना होने से थोड़ा फ़र्क पड़ता है. तो एवरीथिंग इज़ न्यू इन द शॉप. ये पूरा नया सेटअप है, ग्लास अल्ट्रा क्लियर में है, सो इट विल बी बेटर. मतलब कलर वगैरह थोड़ा काफ़ी ब्राइट लगेंगे. एंड इसके साथ ये जैसे अपना रेगुलर टेट्रा वराइटीज़ का सेक्शन पूरा आ जाता है, ये पूरा टेट्रा. एंड दिस इज़ डेडिकेटेड टू गप्पीज, एलिगेटर्स, श्रिम्स वगैरह जो रहते हैं. ये पूरा सेक्शन श्रिम्स, गप्पीज एंड इसके लिए पूरा डेडिकेटेड है. तो यहाँ पे जो भी रहेगा इम्पोर्टेड गप्पीज, श्रिम्स, अपना एलिगेटर्स, स्नेल्स वगैरह ये सब आपको मिल जाएंगे. एंड मैं भूल गया टू विश एवरीवन हैप्पी रमज़ान. एंड मे आई मीन आई होप एवरीवन गिव्स अस गुड व्यूज एंड रिव्यूज ऑफ दिस न्यू शॉप एज वेल. All right. Let's see how it works. Yes. So can we please proceed to cover definitely. The first stock at your new shop? Inshallah, definitely. So we are showing you the first beta at Exotic Aquatics. तो सबसे पहली वाली है फारूक भाई, क्या कहना चाहेंगे इसके काफ़ी अलग अलग वेरिएशन से कलर्स में इसके टेल फिन के तरफ. जी जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं इसमें काफ़ी ब्राइट और आई कैचिंग कलर है. एक्चुअली कॉपर कलर में बीटा है, मेटालिक कॉपर में इसको बोलते हैं. और ये रोस्टेल पैटर्न्स में काफ़ी ब्यूटीफुल और बहुत अच्छे तरीके से इसके कलर नज़र आ रहे हैं. आप नोटिस करोगे जैसे कॉपर का एक शाइनिंग एज होता है ना, जैसा उस तरीके से इसके कलर आपको ब्राइटनेस नज़र आएगी दोस्तों. ओके तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बीटा है. यस दैट्स क्लियर कि जब भी ये बीटा घूम रही है एंड जैसे ये टर्न कर रही है तो इसके टेल फिन की तरफ हम क्लियर कट देख सकते कि कलर का चेंज दिख रहा है. तो काफ़ी एक्टिव है, एक्टिव तरीके से मूव कर रही है. यस नोटिस करोगे राइट. ऑल्सो फारूक भाई काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं प्राइसेस के बारे में, तो कैन वी जस्ट शेयर द स्टार्टिंग प्राइस हियर. जैसे कि अभी मैंने लास्ट वीडियो में हमने शायद बताया था कि हमारे पास 300 से लेकर के स्टार्टिंग रेंज होती है और अराउंड 500, 450, 600, 700 इस डिपॉन 1000 तक के हमारे पास जाती है रेंज. ओके मतलब जैसे बीटा की क्वालिटी और वराइटीज़ और जितनी रेयरेस्ट बीटा होगी उस तरीके से प्राइसिंग होता है.
क्योंकि काफ़ी लोगों का डिमांड होता है, जैसे गोल्डन बीटा हो गया, 24 कैरेट बीटा थोड़ी सी कॉस्टली आती है लेकिन वो जल्दी मिलती नहीं है, स्टॉक में भी काफ़ी कम आती है। और सिंगल बीटा की भी आप डिलीवरी करते हो? जी, सिंगल बीटा भी आप ऑल ओवर इंडिया में हम लोग डिलीवरी करते हैं। नेक्स्ट बीटा इज हियर विद एन आई प्लीजिंग कलर ऑन ऑल द फिन्स एंड लुक हाउ एक्टिव इट इज़। तो कौन सी वाली है भाई ये? ये एक्चुअली बेबी पिंक कलर में ड्रैगन पैटर्न में बीटा है जी। तो काफ़ी मतलब एक बोलते हैं ना एक लविंग कलर जिसको बोल सकते हैं आप, yes. तो उस तरीके का कलर है इसमें और काफ़ी खूबसूरत कलर है। आप मतलब एक छोटे से बाउल में रख दीजिए और किसी को गिफ्ट करना तो गिफ्ट भी कर सकते हो इस तरीके इस ये कलर की बीटा। यस, द कलर इज रियली स्वीट एंड लवली। वाओ, जस्ट लुक एट दिस वन, इट हैज गॉट सो मच ऑफ ट्रांसपेरेंसी टुवर्ड्स द फिन्स एंड ऑल्सो ऐसा लग रहा है कि फ्लेम्स होके गुजर रहे फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड्स द टेल फिन। यस, क्या है ये वाली? ये एक फैंसी में बीटा है, तो काफ़ी खूबसूरत मतलब जो ट्रांसपेरेंट के जो अगर जो बीटा में जिनको ट्रांसपेरेंसी पसंद है, ट्रांसपेरेंट के लिए रिक्वायरमेंट जिसकी रहती है, ये वो बेस्ट क्वालिटी की बेस्ट बीटा उनके लिए चूज है। आप देख सकते हैं इसके जो फिन्स है, एक एक फिन्स में जो पैटर्न गया हुआ है ब्लैक कलर वाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से उसको नज़र आ रहा है इसके अंदर। यस, आई ट्राई टू जूम। अभी आप क्लियरली देख सकते हो इस बीटा की लेवल, देखिए बॉडी के तरफ से कैसे फायरी फ्लेम्स होके गुजरते हैं ब्लूइश कलर के, तो जो फायर के बॉर्डर में जो हमको फ्लेम्स दिखाई देते हैं सिमिलर टू दैट। सो यहाँ पर एक बेहद फुर्तीली एलिफेंट ईयर बीटा है। लुक एट दोज गिल फिन्स, किस तरह से वो एकदम तेज़ी से मूव कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस बीटा इज़ लुकिंग सो मेस्मराइजिंग एंड ऑल्सो इट हैज़ गॉट फ्लेम लाइक ऑन इट्स टेल फिन। हियर इट इज़, ऐसा लग रहा है कि स्केच बनाया हुआ है इसके फिन्स के ऊपर। क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? ये एक एलिफेंट या डम्बो ईयर बीटा जिसको बोलते हैं, मतलब रोज स्केल पैटर्न में है, मीडियम साइज़ की है, लेकिन जब साइज़ अगर ये अच्छे से ग्रो होगी तो काफ़ी अच्छा मतलब फ्लेयर करेगी हो, और इसका जो रोज स्केल पैटर्न है काफ़ी अच्छा ऊपर से नज़र आएगा आपको। अभी साइज़ थोड़ा सा छोटा है लेकिन जब वो ग्रो होगी प्रॉपर तरीके से तो काफ़ी ब्राइट और अच्छे तरीके से मतलब उसका कलर नज़र आएगा आपको। यस, दिस इज़ सो स्टनिंग। सो आई एम टोटली इन लव विद दिस बीटा। लुक एट those long fins and they are so pure white in color, कहीं पे भी आपको spot mark नहीं दिखेगा, it's totally completely purely white in color। So next fighter fish has got a transparent border on all the fins with a dark bright red color at the center। So which is this one bhai? ये एक्चुअली ड्रैगन बटरफ्लाई इसको बोल सकते हैं आप, मतलब जैसे इसका टेल के ऊपर एक हल्का सा पैटर्न बना हुआ है, प्लस उसके स्किल्स जैसे दिख रहे नज़र आ रहे जी, काफ़ी ब्राइट मतलब लाइक अ पिंक और रेड का कॉम्बिनेशन जैसा दिख रहा है आपको, और हल्का सा उसके टेल पर आप नोटिस करोगे वाइट बॉर्डर बना हुआ है और हल्का सा ब्लू कलर का भी एक शाइनीनेस मतलब एक उभर के नज़र आ रहा है उसके ऊपर। तो काफ़ी अच्छा फिश है और काफ़ी अच्छा क्वालिटी है, रेयर नहीं बोल सकते, रेगुलर क्वालिटी है लेकिन अच्छा क्वालिटी है। So look at this one, it has got different shades on its body and on its fins, which gets darker on the fins and faded on the body. So kya hai ye wali? ये जैसा आप देख रहे हो इसमें काफ़ी ब्राइट कलर मतलब एकदम वेरियंट कलर में नज़र आ रही है, इसको थाई फ्लैग एक्चुअली बोल सकते हैं, और काफ़ी शाइनी में से थाई फ्लैग में कलर किस तरीके से होते हैं तो उस तरीके की फिश है। Here is a perfect blue beta, it has got dark prominent bluish color on its entire body with the darkish color more towards the head side, also pure borders transparent white in color ke hai। To kaun si hai ye wali? Ye rose tail pattern mein blue butterfly beta hai, it's a common beetle but thoda sa alag color mein matlab zyada transparency dikh rahi hai uske border par ji, aur like jise life plant add kiya humne to iske andar jo color hai kafi acha ubhar kar nazar aa raha hai uska, yes kafi active fish hai। To yahan par is beta mein hum dekh sakte ki kaise color mein variations hai pure fin ke upar,
and that same color goes towards the body, and also at the bottom fin isko pura slight yellowish color hai. So which is this one? And it has also got long flowy fins. जी ये फैंसी वैरायटी में आता है, लेकिन लाइक इसका जो कलर जो काफ़ी तरीके से फेडेड हुआ है, मतलब आप देखोगे इसका बॉडी ब्लूइश से लेकर के येलो की तरफ फेडेड होता है, मतलब तो जैसे ग्लेशियर्स में पैटर्न कैसा होता है हल्का सा जी ब्लू येलो ऑरेंज का कॉम्बिनेशन, ये ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन आपको नज़र आएगा, तो काफ़ी अच्छा। और इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती है, मतलब बहुत सारे डिफरेंट कलर आते हैं, जैसे इसमें खाली ब्लू बॉडी पर दिया हुआ है और टेल पर हल्का सा येलो शेडेड दिया हुआ है, तो कई वैरायटी इस किस्म में काफ़ी वैरायटी में बॉडी शेडेड में आती है, टेल में अलग कलर आता है, तो काफ़ी अच्छी कलेक्शन, लाइक ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन आप बता सकते हैं इसको। एग्जैक्टली, ऑल्सो आई ट्राई टू जूम सो दैट आपको पता चले, देखिए डोर्सल फिन के ऊपर हल्का हल्का येलो कलर भी आया हुआ है, दैट हैज स्प्रेड कम्प्लीटली एट द बॉटम फिन, दैट्स रियली अमेजिंग। हियर्स अ बीटा विद स्ट्राइकिंग कलर्स ऑन इट्स ओवरऑल बॉडी विथ ट्रांसपेरेंट फिन्स। कौन सी है, इसका कलर ऐसा लग रहा है चमक रहा है इलेक्ट्रिक जैसा, ये एक्चुअली जैसे इलेक्ट्रिक ब्लू जैसे बोल सकते हैं आप, पिकॉक टाइप में कलर्स है ये, पिकॉक ब्लू बटरफ्लाइज जिसको बोल सकते हैं आप, और काफ़ी ब्राइट और आई कैचिंग कलर्स है आप देख सकते हो, मतलब जैसा आँख पर एक कलर मारता है ना जैसा एकदम ब्राइटनेस जैसा, ओके उस तरीके से इसका कलर चमक रहा है, और हाँ इसकी खूबसूरती मतलब इसके हेड पर भी आप जैसे देखो ये ब्लैक कलर का एक जैसा पैटर्न बना हुआ है, और तो टेल भी एकदम सिमेट्रिकल पैटर्न में बनी हुई है जी जी, यही इसकी खूबसूरती को निभा रहा है एक्चुअली। सो दिस इज़ फॉर द ब्लू कलर लवर्स, यहाँ पर एक टोटली फुल्ली कम्प्लीटली ब्लू बीटा है, एंड द कलर इज़ ऑल्सो सो स्ट्राइकिंग एंड ब्राइट, सो इफ यू लाइक ब्लू कलर देन यू कैन गो फॉर दिस वन। सो यहाँ पर आप देख रहे हो एक बेहद चुलबुली फुर्तीली एक्टिव बीटा विच हैज़ गॉट ब्राइट रेड बॉर्डर्स ऑन द टेल फिन, तो क्या है ये वाली, बहुत प्यारी है। ये भी एक फैंसी वैरायटी में बीटा है, जैसे नॉर्मली बटरफ्लाई कैसा होता है ट्रांसपेरेंट बॉर्डर होते हैं पीछे, और इसमें लाइक फैंसी में आपको पीछे जो बॉर्डर है उसका लाइन का मतलब जो थिकनेस है काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगा, और एकदम सिमेट्रिकली एक पैटर्न में नज़र आएगा, मतलब ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन में बीटा है, और काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही है, और ये एक्चुअली रोज टेल पैटर्न में है, और काफ़ी अच्छे तरीके से और एक्टिव मूव कर रही है, और हल्का सा एक शाइनीनेस आप बॉडी पर देख सकते हो उसके जी, मतलब एक ब्लू कलर का जो एक चमकने वाला कलर बोल सकते हैं ना जिसको, राइट उस तरीके से चमक रही है बीटा। सो नाउ वी आर शोइंग यू कैंडी बीटास, सो इनके पास आपको प्लेकार्ट या कैंडी बीटास का भी स्टॉक मिलेगा। सो देखिए कैंडी बीटास में ऐसा अलग अलग आपको कलर्स का पैटर्न्स मिलेगा पूरे बॉडी के ऊपर, ऐसा खूबसूरती से छाया हुआ होता है, लुक्स लाइक कि स्केच किया होता है इनके बॉडी के ऊपर, ऑल्सो दे हैव गॉट द ग्लोइंग आइज, तो क्या बताना चाहेंगे शॉर्ट में इनके बारे में? ये सब हमारे पास फैंसी प्लेकेट बीटास रहती है, इसमें हमारे पास नेमो कैंडीज वगैरह भी आती है, और नेमो कैंडीज में मतलब लाइक जैसे डॉट रहते हैं ना उस तरीके से, और आप नोटिस करोगे कि एक्चुअली बीटा का माल कल ही आया, थोड़े से अभी अनफ्लेयर कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर सेट नहीं हुए, ओके और जैसे आप ये देखेंगे तो हमारे पास ये वो दिस वन इज टोटली स्टनिंग, ये ऐसा है कुछ मैंने देखा नहीं अभी तक, ये ब्लैक समुराई बोलते हैं इसको, ओके ब्लैक समुराई, इसमें का भी हमारे पास पैर वगैरह आता है, अवतार में का पैर वगैरह आता है, मतलब तो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की जो जो आपको बीटास में वैराइटीज़ चाहिए देखना चाहिए जी जी, वो सब किस्म की बीटा हमारे पास मिलेगी, और हम बीटा को इस तरीके से कैरिंग करते हैं जैसे आप देखोगे नॉर्मल शॉप में जैसे प्लांट्स वगैरह ऐड करके नहीं रखते जी, हम एक एक बीटा के एक एक टैंक में प्लांट्स ऐड करके रखते हैं कि उनको हेल्दी नेचर और उनको जो इन्वायरमेंट जैसे रहते हैं वो ओके उसका इन्वायरमेंट उनको मिले, उस तरीके से हम लोग उनका कैरिंग करते हैं। यह है गप्पीज का सेटअप, इसमें इनके पास बहुत सारे अलग अलग गप्पीज हैं, तो वो हम जान लेंगे वन बाय वन स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। यहाँ पर कौन से गप्पीज है अट्रैक्टिव? ये प्लैटिनम रेड डम्बो ईयर गप्पीज है, जिसे आप देख सकते हो उसके ईयर्स काफ़ी बड़े रहते हैं, लाइक एलिफेंट ईयर्स जो फाइटर्स आते हैं वैसे टाइप में, तो इसका हेड से हाफ बॉडी वाइट रहता है एंड देन द टेल इज रेड इन कलर, तो ये प्लैटिनम वाइट रेड टेल एलिफेंट ईयर गप्पीज हो जाते हैं, ओके ईयर। इसके बाजू में आप देखोगे वाइट टक्सीडो है, जर्मन वाइट टक्सीडोज बोलते हैं उसको, हाफ बॉडी इनकी ब्लैक रहती है एंड देन द टेल इज फुल वाइट इन कलर, प्लैटिनम वाइट, ओके देन ईयर।
दीज आर रेगुलर एंडलर गप्पीज, ये भी गप्पी की वैरायटी है, थोड़े छोटे साइज रहते हैं बट इसमें कलर्स काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाते हैं। अभी फिलहाल सेट है नहीं है बराबर से, क्योंकि इनका बैकग्राउंड वाइट है, जैसे ब्लैक बैकग्राउंड या प्लांट्स में डालोगे तो इसका कलर ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाता है। यहाँ पर ये है इलेक्ट्रिक ब्लू गप्पीज बोलोगे आप इसको, इसके ईयर्स भी जैसे आप देख सकते हो थोड़े बड़े साइज में है, ये डम्बो वराइटीज़ में ही आते हैं, इलेक्ट्रिक ब्लू डम्बो चाहिए। जैसे आप ये देख रहे हो एक फीमेल है तो इसका ईयर्स काफ़ी विजिबल है कि बड़े साइज़ के ईयर्स है इसमें। यहाँ पे ये जो है ये थोड़ा रेयर वराइटी है, ये प्लैटिनम फुल रेड है, अल्बिनो फुल रेड जो आते हैं उसमें ये वाइट ईयर्स है। आप इनके मेल जो देखोगे लेफ्ट साइड में है, इसके मेल के ईयर्स वाइट रहते हैं, ये फुल रेड वाइट ईयर गप्पीज है। के बाद यहाँ पे ये जो है ड्रैगन डम्बोज है, डम्बो ईयर गप्पीज ही है ये भी, पर इसके जो टेल पे है वो ड्रैगन पैटर्न रहता है उसके ऊपर। ओके एंड इसके साथ में आप नीचे देख सकते हो उसमें कूली लोचेज है, असासिन स्नेल्स मिल जाएंगे आपको, असासिन स्नेल्स है, कूली लोचेज भी है इसमें। ये है वाइट फेस ब्लू सिल्वराडो गप्पीज। ओके इसके साथ आप देख सकते हो साथ में कॉरिडोराज है, एंड देन उसके साथ में नेराइट स्नेल्स भी है, स्पॉटेड नेराइट स्नेल्स जो आते हैं यहाँ पे। ये है अल्बिनो फुल रेड गप्पीज, इनफैक्ट हिल स्ट्रीम लो चाहिए टैंक में, हिल स्ट्रीम जैसे आप देख सकते हो ये इसके ऊपर है जी, ये हिल स्ट्रीम लोच, यस ये हिल स्ट्रीम लोचेज है। देन इसके अंदर लेपर्ड्स ये मिल जाएंगे स्नेल, लेपर्ड स्नेल्स है, स्टोन कैटफिश मिल जाएगी आपको प्लांटेशन के लिए। ओके इसके बाजू में ये है लेपर्ड गप्पीज है, इसके साथ भी आप जैसे देख सकते हो नीचे आपको कॉरिडोराज मिल जाएगी, अल्बिनो कॉरिडोराज, एंड इसके अंदर भी हिल स्ट्रीम लोच के साथ सेम जैसे आप देखोगे यहाँ पर, ये एक अलग वैरायटी है, ये इसको यहाँ पे जो आगे हैं इसको बोलते हैं बोर्नियो सकल्स, यहाँ पे आगे हैं आप देख सकते हो ये हॉर्न नेराइट स्नेल्स हैं, ये सब प्लांटेशन के हैं। यहाँ पे ये भी एक फैंसी वैरायटी की गप्पी है अल्बिनोड में, यहाँ पे आपको बम्बल बी गोबीज मिल जाएंगे एंड थाईलैंड ग्लास कैटफिश भी मिल जाएंगे लेफ्ट कॉर्नर में, वहाँ पर विजिबल तो नहीं होते फिर भी काफ़ी ट्रांसपेरेंट रहते हैं यहाँ पे। देन ये है अगेन ड्रैगन डम्बो गप्पीज, इसमें गोल्ड गप्पीज है, सॉरी ये फुल गोल्ड गप्पीज है, गोल्डन गप्पीज मिल जाएंगे इसमें, ये भी ड्रैगन गप्पीज है यहाँ पे। एंड ये वही पर्पल, ये पर्पल बेरी डम्बो गप्पीज है, लास्ट में चॉकलेट मॉस्को है, और हर एक टैंक में आप देखोगे नीचे श्रिम्स भी मिल जाएंगे आपको, इसमें ब्लैक ब्लू गोल्डन टॉप येलो चेरी रेड फायर रेड ये सब श्रिम्स मिल जाएंगे आपको। गप्पीज के बाद ये रहा टेट्रास का सेक्शन, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पर चेकआउट करेंगे जी। जी फारूक भाई, ये स्वेटल प्लैटीज हैं। ओके लास्ट साइज में और काफ़ी ब्राइट कलर में है, रेड कलर आपका मतलब काफ़ी उभरते हुए दिख रहा है कलर जी जी, और उसके बाजू में देख सकते हो आप ये नियॉन ज़ेब्रास है। ओके डिफरेंट कलर्स में और ये कलर विडोज है, जैसे अलग अलग कलर में आती है, मतलब काफ़ी खूबसूरत लगती है जी। आप प्लांटेशन टैंक में डाल दो या छोटे कोई बाउल वगैरह में रख दो तो उसके कलर इतने ब्राइट है कि मतलब ये चमकती हुई जैसी फिश दिखती है। राइट और ये भी एक गप्पीज है अल्बिनो में, तो एक्चुअली वो सेक्शन में एक टैंक खाली नहीं था इसलिए हमने यहाँ पर सेक्शन में डाल दिया। यहाँ पर एंजल्स है, ये कोई डायमंड एंजल्स है, काफ़ी अच्छे साइज में है और अच्छी क्वालिटी में है, और ये भी एक सेंटा क्लॉस प्लैटीज बोलते हैं इसको, और काफ़ी ब्राइट कलर में और अच्छे पैटर्न्स में नज़र आ रही है यहाँ पे। और ये ज़ेब्रास है, ये एक्चुअली टाइगर बॉब्स है, ग्रीन टाइगर बॉब्स, ये काफ़ी ब्राइट और नियॉन कलर उसका काफ़ी चमकता है, मतलब आप टैंक वगैरह लाइट में रखोगे ना जी जी काफ़ी टैंक में ब्राइट दिखते हैं, जैसे रेड फिन वगैरह चमक रहे हैं उसके। ओके उस तरीके से ये खूबसूरत दिखती है मछली। तो जैसे कि आप नीचे देख रहे हो ये इसमें एलिगेटर्स है, कुछ एंजल्स है हमारे पास जी, और ये रेटल प्लैटीज वगैरह है, और आप इसमें देख सकते हो रेमेरोजी है, ब्लू रेमेरोजी, इलेक्ट्रिक ब्लू रेमेरोजी जिसको बोलते हैं, ये प्लांटेशन टैंक में काफ़ी खूबसूरत लगती है,
इसका कलर मतलब ब्लू कलर का जो एक जैसे इलेक्ट्रिक ब्लू कैसा होता है उस तरीके से चमकता है। और ये आप देख रहे फ्लावरन है, काफ़ी अच्छा हेड है इसका, अराउंड ये 4 इंच के साइज़ में दिख रही है आपको, और काफ़ी ब्राइट कलर में और एक्टिव फिश है, मतलब आप देखोगे इसके अंदर काफ़ी एक्टिव फिश है। सो इनके बीटा डिस्प्ले सेटअप के ठीक बाजू में है इस शॉप का ड्राई सेक्शन, सो विल गेट टू नो कि क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पर इनके ड्राई सेक्शन में। जी फारूक भाई बता सकते हैं शॉर्ट में? जैसे कि आपने ये देख रहे हो हमारा, जैसे ये पूरा ड्राई के लिए सेक्शन रखा है, जिसमें आपको फूड प्रोडक्ट हो गया, लाइट हो गया, एक्वेरियम से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स हो गया सब चीज़ें आपको मिलेगी। जैसे टर्टल फूड्स का एक अलग ही सेक्शन हमने किया है, बड़े फिल्टर्स वगैरह होते हैं, फूड्स होते हैं, और जैसे आपको स्पंज हो गया, बीटा मतलब हर फिशेस की मेडिसिन हो गया, लिक्विड हो गया, मतलब सब टाइप का जितना भी आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगा एक्वेरियम से रिलेटेड हर चीज़ हमने रखा। जैसे हैंग ऑन फिल्टर्स हो गया, फिल्टर्स के रिक्वायरमेंट होते हैं तो फिल्टर्स हम रखते हैं, लाइट हो गया, टैंक सेटअप्स का लाइट हो गया, सब हो गया। और आप नोटिस करोगे जैसे कि हमारे पास ये रेडीमेड टैंक भी मिलते हैं, पहले हम नहीं रखते थे लेकिन अभी हम लोग मंगा रहे हैं, रेडीमेड टैंक हो गया, ड्रिप फूड हो गया, और आपको कंप्लीट सेटअप बना करके चाहिए टैंक में विथ प्लांटेशन, वो भी हमारा पहले ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर बड़े टैंक में चाहिए तो बड़े टैंक में भी हम आपको बना करके दे सकते हैं। तो आपके पास हमारे पास पूरा बाउल से लेकर के एवरीथिंग, छोटे साइज़ के टैंक से लेकर के बड़े टैंक के साइज़ तक के और उनके प्रोडक्ट कम्प्लीटली आपको सब मिल जाएगा इस शॉप में। ऑल्सो यहाँ पर आप जो सेटअप में ऐड करते हो सैंड, क्रेवल्स, रॉक्स, यहाँ पर आपको वो भी सब कुछ मिलेगा जो भी आपको टैंक सेटअप में रिक्वायर्ड है। सो फारूक भाई आपकी नई शॉप और आपके नई शॉप का नया बीटा स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद आया। मैं आशा करता हूँ कि हमारे व्यूवर्स को भी आपके पास जो भी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है बीटास में, प्रीमियम बीटास है, फैंसी बीटास है, और जो अलग अलग टेट्रास और गप्पीज की वैरायटीज़ भी हमने देखी वो भी उनको अच्छी लगी होगी आई होप। सो कुछ आखिरी मैसेज हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहेंगे? जी मैं बोलना चाहूँगा कि आपने, मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने कंप्लीट वीडियो देखा और हमारा बीटा का नया कलेक्शंस, नया शॉप का जो रेनोवेशन है वो देखा, नया हमने शॉप शिफ्ट किया। आपको एक लैंडमार्क बताता हूँ, वीडियो में भी दिया हुआ है, नया शॉप हमारा सेंट चार्ल्स स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, बस उसी के अपोजिट में बजी स्पॉट के बाजू में ही शॉप है। ये फेमस लैंडमार्क है, वाकोला का एक सेंटर पड़ता है, और किसी को भी आने परेशानी होगी तो हमारे नंबर वगैरह दिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और ये आपको जितना हमने दिखाया है ये तो लिमिटेड स्टॉक है, और भी हम नया स्टॉक मंगाने वाले हैं, इसमें और भी वैरायटी हम दिखाएंगे। और मैं चाहूँगा कि आप लोग नए शॉप पर विजिट कीजिए और एक्सपीरियंस कीजिए, आपको नया लुक और नया प्रीमियम तरीके से आपको हर चीज़ नज़र आएगी। और यहाँ पर और भी नए प्रोडक्ट्स हम रखने वाले हैं, आपको जो नई चीज़ें आपको देखने मिलेगी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई। मैं आशा करता हूँ कि हमारे व्यूवर्स हर बार की तरह आपको इस बीटा स्टॉक पर भी प्यार देंगे और ज़रूर आपके शॉप में आएंगे। जी जी शुक्रिया। So I hope you enjoyed watching the colorful, brightful, lovely and attractive betas available at Exotic Aquatics. इस नई शॉप का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्रॉपर लोकेशन मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई है, इन केस इफ़ यू वॉन्ट टू विजिट हियर। ऑल्सो इनकी डिलीवरी अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया। इफ़ यू विश टू ऑर्डर एनी बीटा और एनी अदर फिश, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन देयर गिवन नंबर्स प्रोवाइडेड एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो। So I'll see you again next time in another interesting and entertaining video coming soon on SJ Inceptions. Thank you so much for watching. Happy fish keeping and have a wonderful day. Also let me know in the comment section ki aapko Exotic Aquatics ka ye naya shop, ye naya look aur betas ka ye increased beta setup kaisa laga. So thanks a lot and have a wonderful day ahead.